आम इंतखाबात के मौका पर लाहौर में कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर वोट डालने का सिलसिला जारी है। शहर भर में कौमी और सूबाई असम्बली की कितनी नशस्तों पर कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, इस पर मजीद जान लेते हैं लाहौर से वॉइस न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर आजम बाजवा से। जी आजम बाजवा अजी, बिल्कुल इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और आज लाहौर समेत पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 2024 का आगाज हो चुका है और इन इंतखाबात के दौरान जो है जिंदा दलाने लाहौर और पाकिस्तानी कौम जो है अपने अपनी पसंदीदा कौम और उम्मीदवारों को जो है वोट कास्ट करने के बाद दोबारा इक्तदार में लाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो आज शहर लाहौर के अंदर जो है वो कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के ऊपर जो है वो वोटिंग होने जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली की जो 14 सीटें हैं इनके ऊपर 266 उम्मीदवार इस वक्त जो है वो मद्दे मुकाबल हैं। इसी तरह अगर सूबाई असम्बली के हवाले से बात की जाए तो सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के ऊपर जो है 813 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हल्का एन ए 127 के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर वोटर्स की कसीर तादाद इस वक्त जो है वोट कास्ट करने के हवाले से निकल चुकी है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम इंतखाबात 2024 का जो टर्न आउट है वो खासा बेहतर रहेगा। अभी भी आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वोट कास्ट करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद इस वक्त जो है वो पोलिंग बूथों के ऊपर पहुंच चुकी है और वोट कास्ट करने के हवाले से लाइनों में लगकर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोटों की जो है वो कास्टिंग के हवाले से या अमन मान की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो वोटिंग का जो अमल है वो बड़े पुरअमन तरीके से इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और शहरी जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को इस वक्त जो है वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।